समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में दर्जनों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर परिसर स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव और उनके परिजनों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर फंसाने और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष द्वारा जबरिया अपने रिश्तेदारों को थाने से छुड़ा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच कर अपने ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने और इनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। जबकि वहीं दूरभाष के जरिए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरे कार्यकर्ताओं को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर पिटाई की गई है। इसके पश्चात थाने पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का कुशलक्षेम पूछा। यह दोनों मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष के जरिए बात करते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, उन्हीं को बैठा करके मिला है। जो व्यक्ति जो बंगाली शोषणों को उठवा करके अपने कमरे में रख करके पीट रहा है, उस जब वो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो क्या उचित है? साहब को बताइए, हरिकेश है सर कोई हाथ उठा रहा जी साहब, हाथ पाइप में एक सवार गई है, जिसने रिपोर्ट किया, जिसने 100 नंबर को सूचना किया उसी को उठा लाया, जो पीटा गया उसी को बंद कर रहे हैं। अच्छा हटाइए, आप भी गए थे ना, अच्छा हटाइए। आज ज्ञापन सौंपा गया है रकौली थाना, रकौली गांव में जो हमारा पैतृक गांव है खजनी थाना अंतर्गत, वहां के दो लोग, एक विकेश राम तिवारी और एक शशांक राम तिवारी, शराब पी करके और हमारे विद्यालय पर जाकर गाली गलौज कर रहे थे। उस गाली गलौज को देख करके पुलिस को फ़ोन किया गया, 112 को फ़ोन किया गया, सीओ को सूचना दी गई, पुलिस आई ले गई उन लोगों को, और बीजेपी के उनके रिश्तेदार हैं सरिया के, वह मंडल उपाध्यक्ष हैं संभवतः हरिकेश राम त्रिपाठी, वो अपने समर्थकों के साथ आकर के और पुलिस से मारपीट करके थाने में, जिसकी सीडी हमारे पास है, मारपीट करके और उनको छुड़ा ले गए और उल्टे हमारे ऊपर केस और हमारे बेटे के ऊपर केस दर्ज करा दिए। तो उसी संबंध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है कि केस फर्जी हुई है, केस उन पर होनी चाहिए, हमारे पर नहीं होनी चाहिए। तो उस संबंध में भी उनको सीडी भी उपलब्ध करा दी गई है और सारे एविडेंस दे दिए गए हैं, उन लोगों के डॉक्टरी में कहीं उनको इंजर्ड नहीं है वो लोग। तो ऐसे में हम लोगों पर जो केस हुआ है वो फर्जी है, उसको वापस लेने के लिए हम लोगों ने बात किया। 31 दिसंबर की शाम को मैं मालहन पार्क के पास से एक कार्यक्रम से लौट रहा था, मुझे रकौली गांव के ही हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूचना किया कि अपने दो कार्यकर्ताओं को, यहाँ का एक माफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है प्रहलाद यादव, वो खेत से उठा ले गया है, ये दोनों अपने कार्यकर्ता खेत में पानी चला रहे थे, उनको उठा करके ले गया है, अपने स्कूल में बांध करके पीट रहा है। तो मैंने एसओ साहब और सीओ साहब को तत्काल इसकी सूचना की और सूचना के पश्चात वहां पर कुछ कार्यकर्ता इसकी सूचना हुई तो थाने पर पहुंचे और मुझे भी आग्रह किए कि आप भी थोड़ा थाने पर आ जाइए 2 मिनट। मैं भी थाने पर गया, थोड़ी देर बाद पुलिस जो दोनों हमारे कार्यकर्ता विकेश राम त्रिपाठी और शशांक राम त्रिपाठी, जो दोनों
को पीट रहा था, दोनों को पुलिस उसके कब्जे से छुड़ा करके लेकर के आई थाने में, और थाने में लेकर आई तो हमने प्रश्न किया जो पुलिस गई थी कि भाई आप कहाँ से ला रहे हैं, तो बोले प्रहलाद यादव ने अपने स्कूल में कमरे में लोगों को बंद करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब कोई बंधक बना करके रखा था और मारपीट कर रहा था तो आपने उस अपराधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जो उनको बंधक बना करके रखा हुआ था। तो इन्होंने उस पर पुलिस ने अभद्रता किया और कहा कि पुलिस को ज्ञान मत बांटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, आप लोग थाने बाहर जाइए। तो इस प्रकार से पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहां अभद्रता से पेश आई, और फिर हम कार्यकर्ता भी आक्रोशित थे लेकिन हमने सबको समझा बुझा करके सबको थाने से बाहर किया। और तहरीर उनके पिताजी थे, उनके पिताजी ने तहरीर दिया, तहरीर देने के पश्चात फिर हम लोग थाने से वापस आ गए। आरोप लगा है आपने अपने रिश्तेदारों को छुड़वाया वहां से जबरदस्ती। मेरे कोई भी जांच करा ले, मेरी कहीं दूर दूर तक रिश्तेदारी उनसे है ही नहीं, वो केवल पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरी रकौली गांव में ही कोई रिश्तेदारी नहीं है, दूर मतलब दूर से भी देखा जाए तो भी मेरा कोई वहां रिलेशन नहीं है, और हमने किसी को छुड़ाया नहीं। पुलिस ने ही हमारे सामने ही उन लोगों को मेडिकल के लिए रात में भेजा, उनका प्राथमिक परीक्षण किया गया, जैसे हमको सूचना मिली फिर पुलिस ने उनको दिन भर लॉकअप में रखा, अगले दिन फिर पुलिस ने उनका मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद वो लोग फिर अपना जमानत कराए, जमानत करा करके फिर उनको छोड़ा गया, जो मेरे पास सूचना है। उनका ये कहना है, पुलिस के सामने बयान भी दिया था उन्होंने, अब बयान दिया है कि उनको कोई इंजरी नहीं है, ऐसी बात है क्या? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, उनके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा ना। वो तो ये भी झूठ बोल रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते मैं वहां पर गया और कार्यकर्ता के नाते मैंने उनकी मदद किया, और उनको इन लोगों ने मारा पीटा है। और इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी चोट लगे कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ ऐसा हो, तो ऐसा चोट है नहीं, चोट उन लोगों ने हाथ और पैर से मारा था, लात घूसों से ही मारा था उनको। और बंधक बना करके मारना पीटना यही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, चोट लगे या न लगे, बंधक बना करके मारना पीटना ही अपने आप में बड़ा अपराध है। किसी को बंधक बनाकर अपने घर में कैद करके रखना कमरे में, यही बड़ा अपराध है, और मुझे लगता है कि पुलिस इसमें अपना न्यायोचित कार्रवाई करेगी, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है।